ক্যাপ গ্যাং, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার শানদার মজেদার কটাই তাবড়তোড় মুক্কে মার গেম প্লে। ওয়াও, আজ কে এন্ট্রি মার কে আয়া হুম, ক্যোঁকি আজ মে এক এসা গেম লেয়া জো কি ওয়াপস সে বহুত জ্যাদা হাইকিল হ্যায়, ওয়াপস সে বহুত জ্যাদা ইন্টেন্স হ্যায়। ওয়াপস সে হামনে বাস তাবড়তোড় বন্দো কো জাহাঁ দেখো ওয়াহ পেলম পেলি করি হ্যায়, এন্ড হাম জা রহে হ্যায় ওয়াপস লৌট করকে। লাইক আজকাল দেখ রহা হুম না মে, জব জব নোভো উতর রহা হুম তব তক কিলস বহুত মিল রহা হ্যায়। লাইক ইয়ার লে জাদু ভাই সব নোভো ভাই, अब तो किस्मत की चाबी निकले हमारी, क्या किला किल करवाते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली एक स्क्वाड आ रही थी, साथ में एक सोलो बंदा भी आ रहा था। चलो स्क्वाड का तो समझ आता है लाइक मेरे को ना, बट ये सोलो बंदे ने कौन सा नशा करे नहीं, ये अकेला क्या करने आया आपके यहाँ पे बेटा, सोलो से स्क्वाड खेलना आया हो। नहीं चलो, मैं समझता हूँ आपकी दिल की धड़कास कि आप लाइक 1v4 करना चाहते हो, 1v3 करना चाहते हो, कतई यू नो मस्त जिंदगी की काटना चाहते हो, लोगों की पेटी बनाना चाहते भाई, बट ऐसे कैसे चलेगा। हाउ, तो मैंने इस भालू को ना भगा भगा के मारा। मैंने कहा भालू तेरे को अब की बार ऐसा भगा के मारूंगा ना, कभी तो अकेले आएगा नहीं नोवो में फिर। नहीं मजाक हो रहा है, ये लड़का अकेले घूमे फिर जा रहा है, गन भी नहीं है इस पर नोबड़े पे, अजीब सो आ गए। इस बंदे का मस्त है भाई, ना गन है ना कुछ है, मगर सोलो आया नोवो भाई साहब, वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा, जिंदगी बदल देगा सबकी। सही है बॉस, सही है सही है, लेकिन कुछ नहीं होता अभी तो भाई, नोवो के अंदर एक और स्क्वाड है। तो तुम्हारे भाई ने स्कारल उठाई एंड लूटम लाटी करके पूरा का पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मारा, एंड देखा कि ये बंदे एक्चुअली मेरे स्क्वाड के बंदे पर अटैक कर रहे थे। ओ भाई इतना गुस्सा, मतलब मेरे बंदे को नॉकआउट करने की इतनी चुल मची थी कि उसको पहले स्प्रे मार के हटा तो खड़ा तब भी मार रहा है। लाल लाल बत्ती सी ना तेरी बेटा, गायब कर दूंगा मैं। नहीं भाई ना, ये लाल लाल कपड़ों में तुमको क्या लग रहा है, तुम ऐसे खुले में सांड की तरह मारोगे लोग आकर के हैं। भाई गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो तुम, बता रहा हूँ मैं, कैब गैंग गलत सोच रहा है बंदा। अरे 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 बेचारा कितना क्यूटली यू नो अंदर जाकर के साफ बन गया कि भाई मैं तो एक सांप हूँ, मेरे को माफ कर दो, मैं डसता हूँ सिर्फ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो इधर मैंने भाई बड़ी जल्दी से पांचों बंदे, लाइक पांचों के पांचों बंदे जितने भी नोवो में आए थे ना, सबके अच्छे से ना पेलम पाली कर दी, पेटी से बना करके इनके अंदर खाना पीना परोस लिया, एंड अपनी केडी सी बढ़ा करके अपना टीयर बढ़ा लिया। तो इनको तो मार के मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा अरे वाह इतनी जल्दी, और देखा कि 76 बंदे भी अलाइव हैं। मैंने कहा अरे ये गेम तो तबाही होने वाला है कैप गैंग, तो अगर आप तैयार हो तबाही वाले गेम प्ले के लिए तो नीचे जा करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है कैप गैंग, तो नीचे जाओ सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ जिससे तुम मेरी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि अब भाई ताबड़तोड़ अटैक्स होने वाले हैं और हम बंदों में घुसने वाले हैं। एक्चुअली मैं ना गाइस इस बॉट का ही वेट कर रहा था। नहीं 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 नहीं, नहीं देखो भाई पबजी का एक सिंपल सा रूल है, एक स्क्वाड मारो बदले में एक बॉट फ्री, देख रहे हो, मतलब किल फोर गेट वन फ्री वाला सिस्टम है, जैसे होता ना वी मार्ट हो गया तुम्हारा, बिग बाजार हो गया, बाय वन गेट वन फ्री होता ना, यहाँ पे किल फोर गेट वन फ्री होता है, ऐसा इसका एम है भाई केडी का तो और किल्स का तो पबजी में। अब ये देखो एक और बॉट भैया, अब इससे बहुत मजा लिया, इसको चढ़ाने को, अबे भाई ठुक जा, वापस ठोकने की कोशिश करते हैं, चलो 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 जाडो। ओ भाई ओ बॉट भैया नॉकआउट वॉकआउट मत कर देना भाई साहब, बॉट है क्या है, मजाक हो रहा है। इस बंदे को मैंने गाड़ी से कितनी बार ठोका, तीन तीन चार चार बार, मतलब बंदे का स्वैग देख रहे हो क्या, आई लाइक दैट स्वैग। नहीं बॉट हो तो ऐसे हो, मतलब कतई गाड़ी के ऊपर चढ़ गया कि ले एनब्रो ले मार के दिखा दे मेरे, ये चीटिंग है भाई। एंड फिर हम हवा में उड़ते हुए ट्रिपल सीटर के थ्रू यहाँ पर एक्चुअली एयर ड्रॉप के पास आ गए थे, क्योंकि यार एयर ड्रॉप थी, मेरे को लग रहा था कि बंदे आसपास रुके होंगे, क्योंकि हमने एक ब्लू गाड़ी का फॉलो कर रहे थे, एक ब्लू गाड़ी का पीछा कर रहे थे, वो पता नहीं ब्लू गाड़ी कहाँ गई थी भाई साहब, हमारे आंखों से तो गायब हो गई। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने जल्दी से एयर ड्रॉप लूटते हैं, मेरे को मिल गई AWM पापा। अब ये गन का तो मैं इंट्रोडक्शन ना ही दूँ तो अच्छा, ना 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 ना, ये गन एकदम से लोगों के ना तख्ते पलट देती है, टकला गायब कर देती है, हेलमेट तोड़ देती है, फोड़ के चार कर देती है, सिलने को सलवार कर देती है।
अब मैंने ना पता वैम्पायरों को यहाँ पर कितनी गालियाँ दी, मतलब कि क्या ही बताऊँ क्या, मैंने बोला कि भाई तू कहाँ जा रहा है, बंदे हमारे सामने, तो बंदों से दूर जा रहा, दूर यार। Enemies ahead. अब ये अरे पता नहीं एकदम से आज गाइस इतनी सारी बग्गीज आई है ना इस गेम में, क्या ही बताऊं, लाइक पता नहीं गाइस मेरे अकॉर्डिंगली सारी बंदे बग्गीज में ही मिले हमें, पता नहीं क्यों। अभी एक बग्गी फोड़ी, एक और बग्गी सामने से उड़ के चले गई, बाद में एक और बग्गी, ना बग्गी बग्गी खेल रहे क्या भाई, नहीं बग्गे बग्गे खेल रहा है वो बंदे ऊपर जाकर के रुक गए मारने के लिए, मैंने कहा लो होल लिया सप्पा भाई। तो कुछ नहीं होता, मैंने भी भाई AWM के चटकारे से मारे एक दो, एक बॉडी शॉट लगा एंड फिर टाइम लेते ना मैंने देखा कि देखो भाई अगर यहाँ ओपन में रहेंगे तो ये भाई बॉट मारेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मारेंगे भाई, बहुत मारेंगे। मैं भाग गया, मैंने कहा मैं छुप रहा हूँ, नहीं भाई मैं पहले छुप जाता हूँ उसके बाद तुमको देख लूँगा, नहीं 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 अभी पहले छुप जाते आराम से, मैंने यू नो हेल्थ हुल्थ मार एंगल वेंगल होल्ड करे शैक को कैप्चर किया एंड उसके बाद इनके ऊपर पीक लिया। अब देखो ये बंदा ना हमेशा एक सेकंड पहले लाइक गोली लगने से ना एक सेकंड पहले अंदर मुंह ले रहा था, लेकिन अब M4 के स्प्रे से थोड़ी ना बचेगा लड़का, और ये स्नाइपिंग देखना बस तुम गाइस। लो कर दिया मैंने, बहुत हार्ड। एनिमीज अहेड। ओ भाई मारो मुझे मारो, इन लोगों का एकदम से वक्त बदल दिया भाई, सब कुछ ही बदल दिया, इनके तो टकले भी बदल दिए मैंने। कैप्टन अगर तुमको ये जो मैंने AWM के पटके से मारे ना भागते भागते और जो पहला वाला शॉट था उससे तो तुम्हें मजा आ गया होगा, तो भाई नीचे जा करके हमें भी थोड़ा मजा दे दो, नहीं 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 हमें भी थोड़ा मजा दे दो यार, लाइक कर दो इसी बहाने, इस AWM के ही बहाने लाइक कर दो यार, सस्ते लाइक्स, हम कुछ टारगेट वारगेट रखते नहीं लाइक का, बस बोलते हैं लाइक कर दो, सस्ते लाइक बोलते हैं क्योंकि वो ही गेम प्ले अभी महंगा हो जाएगा, इतना फाड़म फाड़ गेम प्ले होने वाला ना कि इसका ही बताओ, क्योंकि अब जल्दी से अभी यहाँ पर ये स्क्वाड मारी है, ये बग्गी वाले बंदे हवा हवाई उड़ रहे थे यार, पता ही नहीं हर बार बग्गी बग्गी आ रही है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो शेल्टर है ना, शेल्टर के अंदर से हमको गोलियां पड़ रही थी, अब देखो मेरे को गोली मार के मेरा इंतकाम देखोगे, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। तो मैंने निकाली अपनी ट्रिपल सीटर, लाइक भाई हम लोगों ने ना पता डांसिया वास्या नहीं चलाई है ज़्यादा, हमने बग्गियों ट्रिपल सीटरों से लड़ाई करी, बस क्या ही बताऊँ क्या गलत ही स्कैम था इस गेम में। तो ट्रिपल सीटर निकाली एंड लाइक पता है ये गाड़ी का बताता हूँ गाइस, ये गाड़ी उनमें से ना जिसको एक बारी को पबजी निकाल भी देगा ना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ना बन ना। और ये चलती इतनी घटिया ना कि क्या ही बताऊँ, लेकिन इतनी घटिया चलती है, इतनी घटिया चलती है कि मैं रो दिया। तो मैंने कहा देखो अब इसको निकाल तो सकते नहीं पबजी में से, पबजी वाले इतना अच्छा एहसान तो करे नहीं, इससे अच्छा इसको चलाना ही सीख लेते। तो मैंने ना थोड़ी बहुत चलानी सीख ली, जिससे थोड़ी बहुत कंट्रोल करनी मेरे को आ गई है, वरना पहले तो भाई चढ़ते गिर जाता था मैं तो, गलत गाड़ी है क्या ऐसी, नहीं 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 ये बहुत ही दो केड़ी की नोबड़ी सी गाड़ी है मजाक से हट के, मतलब पबजी वालों ऐसा करो ना, देखो इसके जगह तुम रॉकेट लाइक वो होती है ना कौन सी गाड़ी थी शील्ड वाली US वो डाल दो इसके जगह तो वो बेटर है, बट यार रे कचरा ना ही चला गया हमको ना भरना है, दिल से दर्द होता है ऐसे देख के। अब ये आखिरी बंदा बचा था स्क्वाड का, रिवाइव देने की कोशिश कर रहा था मगर इस पर कोई चांस था नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई तो घुस गया था मजे से। एंड इसके बाद गाइस ये तुम शॉट देखोगे ना तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा, भाई क्या ही मारा, अरे भाई AWM का चलती गाड़ी पे शॉट ऊपर में ही खड़ा था ना तो मेरे क्या मेरे एक
भाई साहब ये गलती बच गया दूसरा वाला बंदा तो। इसको पता है हेडशॉट पे हेडशॉट पड़े हैं बग्गी पे, वो तो इसकी एचपी 1 होगी एंड ये सही टाइम पे निकल गया इधर से। नहीं तो अभी तो इसको भाई इसका भी स्कैम होता, उसी बग्गी के अंदर एक स्प्रे में उड़ जाते हैं दोनों। अब इसके चलते हुए बंदे के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है, लाइक पता ही नहीं बग्गी से क्यों जाते हो भाई। देखो मैं 1, 2, 3, 4 शॉट ही तो मिस करूंगा अपनी AWM से, कोई ना कोई तुक्का तो लग ही जाएगा। तुम्हारी बैठी हुई गाड़ी पे नहीं भाई, ऐसा तुम्हें नहीं लगता है बिल्कुल, लगता होगा ना। तो भाई बग्गी चलाना छोड़ो अभी एंड डासी एंड यूएस। और पता है वो बग्गी देखो कहाँ जा रही है अपने आप, मेरा प्लेयर बोल रहा था और उसमें बंदा है। मैंने कहा क्या बात, मजाक कर रहा है क्या, उसमें बंदा नहीं हो नया सही ने पबजी का बाहर। तो इस बंदे की भी हमने बड़ी जल्दी से यहाँ पर पेटी से बना दी एंड आराम से यू नो इसकी क्रेट को लूटम लाठी करे। दिल को सुन जानो चैन सुकन सुख शांति जैस्मिन तृप्ति पायल सब मिल गई एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई किलो पे किले मिले जा रहे हैं एंड ये बग्गी वाले भैया आए जा रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा था सारे सारी बग्गी आ जाओ यार, तुम सब बच्चे में 19 के 19 लोग ना सब बग्गियों में बैठ के आ जाओ रश करने यहाँ पे, मैं तो खुश हूँ। लेकिन 3 बग्गी वाले बंदों को अभी तक हम मार चुके हैं लेकिन रुक ही नहीं रहा है भाई। अजीब ही स्कैम चल रहा है पबजी का गैस। लेकिन आप स्कैम मत करो, आप जाकर के चेकआउट करो 1xBet जो कि एक स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वेबसाइट जहां पर आप जाकर के क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया स्पोर्ट्स हो गया जाकर के प्रेडिक्शन कर सकते हो एंड अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आपको पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। अगर आप जाकर के वहां पर रजिस्टर करते हो, नीचे मेरा कमेंट सेक्शन मैंने लिंक दिया हुआ है पिन कर रखा उससे, तो अगर आप रजिस्टर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इंस्टाग्राम पर भेजते हो तो मैं आपको देता हूँ एक गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड बिल्कुल फ्री 1 लाख के विनर को रोज। एंड उसी के साथ अगर आप लोग उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करते हो 100 रुपीज तो आपको पहले तो डिपॉजिट करने पे 100% बोनस मिलता है, यूज़ करने पे कूपन कोड किंग एंड्रू मतलब 100 डॉलर को तो 200 मिलेंगे एंड आपको मौका मिलता है गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड 1000 रुपये तक का जीतने का 1 लाख मैंने रोज। तो भाई जरूर जाकर चेकआउट करना 1xBet, लिंक इज पिंड इन कमेंट सेक्शन। अब भाई हम चल रही अपनी फेक टैक्सी। अरे भाई अंबानी जी ने तो फेक टैक्सी को कतई ना बैन सा कर दिया है। लाइक गाइस देखो मैं जानता हूँ सब सीन ठीक है, मैं सोच रहा हूँ किसी दिन बाद ना हम एक सिम निकालते हैं कैब गैंग सिम ठीक है, उसमें जियो की सारी क्वालिटी होंगी लेकिन उसके अंदर बस फेक टैक्सी वेबसाइट चल दिया चलेगी यू नो एंड हमारी बाकी की वेबसाइट जो भी फेक टैक्सी थी यू नो लिंक्ड थी जो अब नहीं चलती है। पर भैया कैसे मत करो यार, देखो चला दो थोड़ी बहुत, नहीं मैं जानता हूँ अंबानी जी थोड़ा यू नो इधर उधर सस्ते से कर दो, चला दो यार नहीं अच्छा नहीं लगता ना। देखो अब कब तक तुम तो कतई ना आबादी रोकने के लिए मूड में बना चुके हो लेकिन कुछ नहीं होता, चलो आपकी मर्जी है। तो अब हम अपनी फेक टैक्सी बंदों को ढूंढ रहे थे यहाँ पे मशरूम टावर पे, पता है यहाँ से गोली तो चली थी मगर बंदा मिला नहीं हमें, तो हम चल दिए यार। मैंने कहा टाइम वेस्ट करें उसको ढूंढने में, अकेला नोबड़ा सा कहीं छुपा होगा। तो फिर मेरे को सामने दिखती है गड्डी, मैंने कहा अरे वाह गड्डी भाई आप यहाँ ओपन में क्या कर रहे हो, मतलब क्या गोलम गोल का घूम रहे हो। अब मेरे को इधर लग रहा था कि लाइक 1-2 बंदे तो होंगे लेकिन कोई ठाए नहीं, एक ही बंदा पड़ा हुआ था यहाँ पर। और फिर ये वाला एडर उनका चार्ट ऐसे तो तुमको और भी मजा आ जाएगा गाइस क्योंकि ये तो बहुत ही तेज मारा है मैंने। Enemies ahead. तो उस बंदे को जैसे ही मैंने नॉकआउट किया ना, मैंने अपने बंदे को बोला गार्डन निकाल, अब युद्ध का समय आ गया, अगर अभी नहीं घुसे तो कभी घुस नहीं पाएंगे, सामने वाले बंदे अपनी बैंड बजवाएंगे। मैंने गाड़ी निकाली एंड पहली फुर्सत में निकला यहाँ से एंड जाकर के यू नो बैठ गया रिज पे। यार मैं तो सही बताऊँ तो KGF 2 का एंड यू नो ये
दोनों बंदों की तो हमने भाई घुस के एकदम इन्होंने ताबड़तोड़ पेटी बना दी, एकदम घुस करके धमाकेदार एंट्री के साथ ग्रेनेड विरेड फोड़ के। एंड उनका पता बंदा बड़ा स्मार्ट बन रहा था, बोल रहा था मैं तो छत पे लेटा हूँ, मेरे को कौन कैसे मारेगा, अगर ग्रेनेड आएगा भी तो मैं तो देख लूंगा, सुन लूंगा, मैं तो बच जाऊंगा। मगर ऋषय का पता था कि किंग एंड्रू भैया लाए हैं आपके सीने में आग लगाने वाली तोप, मोली। तो मोली उठा करके मैंने इसके सीने के अंदर आग लगा दी। इसके सीने में ऐसी आग लगाई कि इसकी आशिकी वाली आग मिट गई, क्योंकि ये आग उससे भी ज़्यादा थी खतरनाक, क्योंकि इसके पबजी के गेम में लग गई आग। और फिर हमने एक और स्क्वाड के अंदर लगाई कट धमाकेदार आग। गाइस इसे ही तो कहते हैं स्वैग वाली स्क्वाड वाइप। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो मैंने इधर तीन बंदे मारे, तुम कह रहे हो कैसे, तूने मारे तो दो ही हैं, एक नीचे एक ऊपर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो मैंने जो ग्रेनेड फेंका था वो एक ऐसे एंगल पे फेंका था कि वो हल्का सा टच होके ना इनकी छत पे गिर जाए, एंड वो वैसे ही काम कर गया। एंड भाई मैंने पागल जैसे किल से उठा लिया एकदम तेजी से यहाँ पर, क्योंकि वो ग्रेनेड ना एकदम लाइक स्वैग वाला किल था, वो ग्रेनेड राइट से आया ठीक है, एंड राइट से आकर के कहीं तो जाकर के ठुका, एंड वो बंदा कहीं ना कहीं तो फट गया, पता नहीं कैसे, तो लाइक भगवान जाने कैसे फट गया बट। और मेरे को अच्छा खासा किल भी मिल गया इसी बहाने। फिर हमने निकाली अपनी गाड़ी। Enemies ahead. तो गाइस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं वैसे वन पोको F1 का गिव अवे कर रहा हूँ रियो टीवी के ऊपर, जहाँ पर हम डेली टूर्नामेंट्स करते हैं एंड एक जो फाइनल में विनर होगा उसे मिलेगा पोको F1 बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री, जो कि एक सोलो टूर्नामेंट है जिसके अंदर रोज 3 प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी डे 8 हो चुका है, अभी 22 दिन बचे हैं टूर्नामेंट के, तो अगर आपको खेलना है तो रियो टीवी पे आ जाना कल सुबह 12:30 बजे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो इधर भाई एक बंदा दूर से AWM मार रहा, मैंने कहा छिपाटे बेटे तुम दूर से तोपे मारो हमें बेटा, नहीं वेरी गुड, तेरे कोई पता है किल मिलेगा नहीं लेकिन AWM की गोलियां जरूर वेस्ट करनी है, वेरी गुड, नहीं आई रियली अप्रिशिएट, बिना मतलब झक भाई, बिना मतलब के। तो अब क्या होता है, जो ऊपर कंपाउंड वाले बंदे होते हैं ना वो आइला जादू करके गायब हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ यार ये निकले तो निकले कहाँ, दिख ही नहीं रहे हैं। अब जो जोन होता है वो हमारे ऊपर से भी चला जाता है कैब गैंग, तो मेरे टीम वाले एंड मैं डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें जोन जाना ही है, पर अगर जाएं कैसे, क्योंकि हम पे गाड़ी नहीं है, हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल नहीं, मतलब सीधी बात बताऊँ तो, अब जाएं कैसे भाई। बाय द वे ग्लिच है, नहीं मेरे को पता है बहुत लोग बोलते हैं कि तेरे कपड़े गायब कैसे हो जाते, भाई ये ग्लिच है, देखो ये पबजी ना कते गंजेड़े नशेड़े दो कड़े का नुबड़ा सा गेम है भाई, मैं क्या बताऊँ, इसके अंदर पैक लाइक यूज ही महंगी होती जाएगी, आउटफिट महंगी हो जाएगी, मगर ये ग्लिचेस ठीक नहीं होंगे, क्या ही बताऊँ, क्या गंदा स्वैग है इसका। तो इधर जैसे ही मैंने एक बंदे को नॉकआउट किया ना, पीछे से वैम्पायर गाड़ी ले आते, बोलता भाई मेरे को फ्यूल मिल गया, मैंने कहा अरे भाई वाह एकदम सही टाइम पे आया भाई तुमने, आओ देखा ना तो अपनी गाड़ी उठाई एंड जा करके बंदों के ऊपर ठोक दी। ना भाई ग्लिच देख रहे हो ना तुम, ग्लिच देखो, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं क्या बोलूं यार, मैं रो देता हूं, ये इतना 2 KG का गेम है गाइस, ये इतना ज्यादा 2 KG का गेम, मतलब यार गाड़ी से मैं उतरा हूं ठीक है, मेरी हाफ एच पी गाड़ी से उतरने पे चलेगा, अरे भाई मारो मुझे मारो, बोल रहे मैया ये क्या 2 KG का गेम है भाई, ये गाड़ी से उतरने में हाफ एच पी कौन खाता है बे, इससे ज्यादा कम एच पी तो मारियो खा जाए, भाई मैं कल से मारियो खेल रहा हूं, मेरे को खेलना ही नहीं आया गेम, अरे मजाक हो रहा है भाई, मजाक समझ रखा है इन्होंने पबजी को। तो इधर भाई सामने जो पूरी की पूरी स्क्वाड तो एकदम तेजी से वाइप आउट हो गई, आखिरी बंदे की लोकेशन मेरे को पहले से पता था कि वो राइट साइड पे लाल लाल सा था, वो पता था मेरे को। oh
एंड इसी के साथ विनरु चिकन डिनरु। क्या भी अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे आकर के सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जाकर के भाई नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, दबाओ जिससे तुम मेरी वीडियो मिस ना करो, जो कि हम रोज आते हैं 1:30 AM रोज लाइव कह रहा हूँ, मतलब वीडियो डालते हैं एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर कर देना, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ते हैं कैबिंग बढ़ती, वीडियो शेयर करने से। मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए पीस। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.